माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत वेदर हुआ हुआ है। दो दिन से अगर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है तो बारिश जो है ना वो आ रही है, हमें गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा। पानी ना होने की वजह से हमारे घर में ढेरम ढेर बर्तन हैं और घर की हालत देखें, वैसे तो आप हालत ना ही देखें, अभी फर्श नहीं लगा, पॉलिश नहीं हुआ। तो यहाँ बच्चे हमारे ट्यूशन से आ चुके हैं और हमज़ा गिर गया, सारा मट्टी मट्टी हुआ है क्योंकि फिसलन हुई भी थी, इसको चेंज करवाते हैं। स्कूटी हमारी बनकर आ चुकी है, हम चलते हैं पढ़ाने, बाहर से आपको खूबसूरत वेदर दिखाते हैं। हस्बैंड साहब ने कहा है मुझे छुट्टी करो भाई, बारिश आ रही है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो आज छुट्टी नहीं करूंगी क्योंकि गर्मी जून जुलाई में मैं पढ़ाने निकली हुई हूँ, तो गर्म गर्म हवा जो हमारे जिस्म को चीरती जाती है, तो वो आज ठंडी हवा को हम क्यों ना इंजॉय करें। चार्जिंग पर, जैसे कि आपको पता है हमारे घर लाइट नहीं है, चलते हैं अंदर और अपने स्टूडेंट को देखते हैं और इनको पढ़ाते हैं। यहाँ से इस कॉलोनी से पढ़ाकर अब जा रहे हैं, बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। आप देखें मेरे ऊपर अभी तक बारिश के कतरे गिरे, स्कूटी भी हमारी गीली हो रही है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज वेदर को, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि छोटी मोटे गर्मी दाने जो निकले हुए थे ना वो भी आज ख़त्म हो चुके हैं। चुके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ चुकी है, पंखे चल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, अल्लाह ने एसी वैसे भी चलाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। अच्छा एक काम करें, देखो पर लाइटें शाइटें जल चुकी हैं, बच्चों ने घर भी नीट कर लिया है, हस्बैंड साहब यहाँ आ चुके थे, उन्होंने घर सारा सिमटवा लिया है बच्चों से। हम बना रहे हैं जी गाइस दाल चावल, हमारे घर में जो कि बहुत ही पसंद किए जाते हैं। किस किस के घर में दाल चावल पसंद किए जाते हैं? दाल चावल साथ में अचार, साथ में चटनी सलाद, आहा मज़ा आ जाता है भाई। मेरे बच्चे भी बहुत शौकीन हैं दाल चावल के और हस्बैंड साहब तो उससे भी ज़्यादा शौकीन हैं। दो दिन लाइट ना होने की वजह से पूरे फ्रिज की बर्फ़ घुल चुकी थी, हमारे पास गोश्त रखा हुआ था, इसको भी हमने सारा दोबारा से नीट करके, नीट शॉपरों में डालकर, नीट बर्तनों में डाल के रखना है और साथ में फ्रिज की सफाई करनी है। आपने कहीं मत जाना है, मेरे साथ ही रहना है। तो यहाँ जो है मुकम्मल हमारे फ्रिज की सफाई हो चुकी है, आप देखते जाएं। एक बाल्टी में है जी बीफ, एक में है जी मटन, साथ में चावलों के लिए हमने जो अलग से किए वो है, ऊपर बर्फ पड़ी है और इस साइड पर अगर देखते जाएं तो टमाटर और ये सारी चीज़ें। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो आइए जी मिलिए हमसे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का हम यहीं एंड करेंगे, एक मिनट बाद, अभी नहीं करेंगे, एक मिनट बाद करेंगे। सो गाइज हम फ्रेश हो चुके हैं, मौसम फ्रेश है तो हम भी फ्रेश हो चुके हैं साथ ही। तो गाइज मैंने आज अपने स्टूडेंट से लगवाई थी मेहंदी, आपको नजर आ रही है कैसी लग रही है? मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी खूबसूरत मेरी स्टूडेंट ने मुझे मेहंदी लगाई है ना, उमना प्यारी लग रही है ना,
गाइस मैं फ्रिज धोकर इतनी थक चुकी हूँ, मैंने कहा भाई मैं फ्रेश होने के बाद अपने व्यूअर्स के सामने आऊंगी और उनको क्या मतलब घर फ्रेश है तो हम भी फ्रेश हैं। तो सबसे पहले तो हम इस घर को फ्रेश रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा घर बिल्कुल मेंटेन, ये हमारे ड्राइंग रूम है जो कि बिल्कुल सेटी पड़ी है। होम टूर आपको करवाऊंगी भाई, अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे घर की दीवारें और फर्श देखने लायक नहीं है। इसकी तो अभी फिर भी कुछ देखने लायक है, वैसे नहीं है। और क्या करना है जी, ये देखें ये वॉशरूम एक तैयार हो चुका है हमारा, दूसरा वॉशरूम इंशाल्लाह से बनेगा। अभी जो है ना उसको टाइम है, तो सही कहा है ना मैंने कि घर फ्रेश तो हम फ्रेश। तो गाइस आज की वीडियो का इधर ही करते हैं जी एंड, उम्मीद करती हूं हां जी इतना थोड़ा सब लोग आज की वीडियो का इधर ही करते हैं जी एंड, मिलते हैं जी नेक्स्ट और फ्रेश व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में यार। अल्लाह हाफिज़।